Flat tire. Oh, may I help you? How? I'll accompany you to the nearest mechanic store. Sure, thanks. तुम्हारी साइकिल में कौन सी कंपनी के टायर्स एंड ट्यूब्स लगे हैं? पता नहीं, तुम्हारे में? Well, मेरी साइकिल में है बेडरॉक टायर्स एंड ट्यूब्स. उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो तुम खुद ही समझ सकते हो. Oh, yeah. बेडरॉक टायर्स एंड ट्यूब्स को पोदार टायर्स लिमिटेड बनाती है, जो 1964 में शुरू हुई थी. ये ISO 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी है, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 crore 80 lakh टायर्स की और 3 crore 60 lakh ट्यूब्स की. बेडरॉक टायर्स एंड ट्यूब्स 25 कंट्रीज से भी ज्यादा में बिकते हैं और अब तक कंपनी 70 crore से ज्यादा टायर्स एंड ट्यूब्स बना चुकी है. तुम इस कंपनी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो? क्योंकि मैं PTL में काम करती हूँ और वो रही मेरी कंपनी. बाय. पचास वर्षों से भरोसे का प्रतीक, साल में 1 crore 80 lakh टायर्स और 3 crore 60 lakh ट्यूब्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी, 25 से ज्यादा देशों में करोड़ों खुशहाल ग्राहक, कुशल और दूरदर्शी मैनेजमेंट, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने टायर्स और ट्यूब्स, ISO 9001:2008 सर्टिफाइड कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड एक्सपोर्ट यूनिट, देश की सबसे पहली ISI मार्क टायर्स एंड ट्यूब्स बनाने वाली कंपनी, 54 से भी ज्यादा कंपनी ब्रांचेस से देश भर में फैले 12,000 से भी अधिक का डीलर्स नेटवर्क, 2,500 से ज्यादा डेडिकेटेड स्टाफ, दुनिया की कई प्रमुख एग्जीबिशंस में रेगुलर पार्टिसिपेशन. पोदार टायर्स लिमिटेड, टफ टायर्स फॉर रफ रोड्स. 1964 यही वो साल था जब मुंबई में नींव रखी गई पोदार टायर्स लिमिटेड की. बुलंद हौसले, मजबूत इरादे और दूर की सोच के साथ पोदार टायर्स लिमिटेड चल पड़ी कामयाबी के सफर पर. आगे बढ़ते हुए लुधियाना में नए प्लांट की शुरुआत हुई, ताकि बढ़ती मांग को पूरा करते हुए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच सकें. आज पोदार टायर्स लिमिटेड यानी PTL अपने ब्रांड बेडरॉक के नाम से बाइसिकल्स, मोटरसाइकिल्स एंड थ्री व्हीलर्स के टायर्स और ट्यूब्स मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करने वाली एक लीडिंग कंपनी है. पोदार टायर्स लिमिटेड के सभी टायर्स एंड ट्यूब्स हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ तैयार किया जाता है, ताकि हर कोई अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे ऑन टाइम every time. Bedrock brand tires or tubes हम 50 साल से बना रहे हैं. हमारी कंपनी की ये पॉलिसी है कि हम हमारे ग्राहक का पूरा ख्याल रखें. हमारा ये कंटिन्यूस प्रयास रहता है कि हम उत्तम से उत्तम क्वालिटी हमारे कस्टमर्स तक पहुँचाएँ. PTL परिवार का हर मेंबर, चाहे वो मैनेजमेंट में हो, मार्केटिंग में हो या फिर प्रोडक्शन में, सभी पूरे डेडिकेशन, ऑनेस्टी और जिम्मेदारी से काम करते हैं. इसीलिए बेडरॉक टायर्स कर रही है लोगों के दिलों पर राज. शहर हो या गांव, देश हो या विदेश, सब जगह है बस एक ही नाम, बेडरॉक टायर्स. बेडरॉक टायर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर तैयार किया जाता है, जिसके लिए हर टायर और ट्यूब का इंडिविजुअल टोटल क्वालिटी चेक किया जाता है. इसलिए आज PTL लीडिंग OEMs जैसे हीरो, A1 और टाटा इंटरनेशनल को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है. इस सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए PTL ने हाल ही में अपनी इंटरनेशनल बेंचमार्क रेंज GenX भारत में लॉन्च की, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है.
जेनेक्स टायर्स में कई स्पेशल फीचर्स हैं, जैसे सीएनसी मशीन पर तैयार टायर मोल्ड्स, जिससे इन्हें मिलती है लेजर शार्प फिनिश, कंसिस्टेंट और बेस्ट क्वालिटी और आकर्षक पैकिंग। ये ऐसे फीचर्स हैं जो बेडरॉक जेनेक्स को बनाते हैं सबसे खास, सबसे अलग। We are exporting our tires and tubes to more than 25 countries around the globe. From next year onwards, we are planning to double our exports by focusing on Latin America and Europe and many more countries. प्रत्येक रॉ मटेरियल लैब में विभिन्न टेस्ट में पास होने के बाद ही प्रोडक्शन में उपयोग के लिए भेजा जाता है। बेडरॉक टायर्स एंड ट्यूब्स को बनाने के लिए हम उत्तम क्वालिटी का रबर एवं केमिकल यूज करते हैं। ये है RSS-4। देखिए कितना क्लीन है। रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करते हैं। हम अपनी क्वालिटी कंट्रोल में ASTM यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्ट मेथड, BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के डायरेक्शंस और स्टैंडर्ड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। यही नहीं, हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए एक्सटर्नल लैब NABL यानी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी से भी क्वालिटी अप्रूवल लेते हैं। बेडरॉक बाइसिकल टायर्स कैटेगरी में पहली ऐसी कंपनी है जिसने ISI मार्क हासिल किया है। साथ ही हमारे पास है ISO 9001:2008। टायर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत में ही हम अप्रोक्सीमेटली 100 से ज्यादा टेस्ट करते हैं। रॉ मटेरियल के क्वालिटी चेक के लिए हम लैब में टेस्ट करते हैं, जिनके लिए हमारे पास है स्पेशलाइज्ड मॉडर्न मशीन्स, जैसे हॉट एयर ओवन, मफल फर्नेस, मेल्टिंग पॉइंट एनालाइजर, वेइंग बैलेंस, यूनिवर्सल टेंसाइल मशीन एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मशीन। हम टायर्स और ट्यूब्स बनाने की हर स्टेज पर अलग अलग मशीनों और इक्विपमेंट से क्वालिटी चेक करते रहते हैं। हम क्वालिटी कंट्रोल में स्ट्रिक्टली बिलीव करते हैं। हम प्लानिंग प्रोसेस में ये चेक करते हैं कि क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। इसके लिए हमारे पास है रियोमीटर, विस्कोमीटर, कार्बन डिस्पर्शन UTM, अब्रेजन टेस्टर, प्लंजर टेस्टिंग मशीन और एंड्योरेंस टेस्टिंग मशीन। हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का सिर्फ एक ही बेंचमार्क रखते हैं और वो है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड। हम प्रोसेसिंग के टाइम डिफरेंट स्टेजेस पर आउटपुट को टेस्ट करते हैं और फाइनल रॉ मटेरियल से पहले एंड प्रोडक्ट तक हम सबकी QC करते हैं। मिक्सिंग में हम अश्योर करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप तक पहुंचाएं। इसके लिए हम किसी भी प्रकार की वेरिएशन अलाउ नहीं करते। इसकी शुरुआत होती है केमिकल बैच की प्रिपरेशन से, जिसमें हम रेसिपी के मुताबिक अपने बैच बनाते हैं। मिक्सिंग में यूज्ड सभी इंग्रेडिएंट्स को इंटरनल मिक्सर में मिक्स किया जाता है। जैसे स्वादिष्ट खाने की रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स के साथ उनकी प्रोसेसिंग, टाइम और टेम्परेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, वैसे ही टायर की मिक्सिंग में इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी और प्रोसेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस को फॉलो करते हुए यहाँ हम प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल के द्वारा टाइम और टेम्परेचर के आधार पर पैरामीटर्स को कंट्रोल करते हैं। मिक्स्ड कंपाउंड का सैंपलिंग प्लान के अनुसार रियोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर की ये ड्यूटी होती है कि वो सही भार, समय और तापमान को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। अगर मटेरियल रियोलॉजिकल पैरामीटर को मैच करता है तो ही आगे प्रोसेसिंग के लिए जाता है। टायर मिक्सिंग के लिए हमने यूज की है बेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन कहते हैं कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है, जमाना भी और टेक्नोलॉजी भी। हम अब तक अवेलेबल बेस्ट टेक्निक को यूज कर रहे थे, लेकिन अब टेक्निकल अपग्रेडेशन का टाइम है। जल्द ही हम दुनिया की लेटेस्ट वर्ल्ड क्लास मशीनरी और टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं, जो हमारी बेस्ट क्वालिटी को और बेटर देन द बेस्ट बनाएगी। यहाँ की प्रक्रिया शुरू होती है मिल्स की मिक्सिंग प्रोसेस से। कंपाउंड शीट्स की प्राप्ति के साथ यहाँ हम उनमें सल्फर और एक्सेलरेटिंग केमिकल मिलाते हैं। हमारा ऑटो स्टॉक ब्लेंडर मिल्स के नवरत्नों की तरह है, जो कंपाउंड्स की होमोजेनस यानी एक समान मिक्सिंग करने में सहायक है। टायर मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ट्रेड, बीड वायर और रबराइज्ड फैब्रिक्स। टायर का महत्वपूर्ण अंग है ट्रेड। ट्रेड कैलेंडर से हम टायर के प्रोफाइल के अनुसार
ट्रेड निकालते हैं। बेडरॉक टायर उत्तम क्वालिटी के रबर कंपाउंड से बनते हैं। ट्रेड की चौड़ाई, मोटाई एवं वजन पर विशेष ध्यान दिया जाता है और यही कारण है कि बेडरॉक टायर की लाइफ दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से काफी ज्यादा है। हम अपने टायर में मजबूत नायलॉन कॉर्ड का प्रयोग करते हैं। रबराइज्ड कॉर्ड प्लाई टायर की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है क्योंकि टायर की लोडिंग कैपेसिटी इसी की स्ट्रेंथ से डेवलप होती है, इसलिए पीटीएल में कैलेंडरिंग के समय उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उसकी थिकनेस को मेंटेन किया जाता है जिससे टायर पर पड़ने वाला वजन पूरे टायर पर समान रूप से पड़े और टायर ज्यादा से ज्यादा लोड उठा पाए। टायर बनाने के लिए हमारे पास कई तरह की अल्ट्रा मॉडर्न मशीन्स हैं, जिसमें बायस कटर एक है। यहाँ पर टायर बनाने के लिए 45 डिग्रीज पर प्लाई काटी जाती है। कोटेड फैब्रिक रोल अब बायस कटर मशीन पर लोड होता है, जिसके ऊपर हर टायर के साइज के हिसाब से सर्वो मोटर और पीएलसी कंट्रोल करके एक डिफाइंड एंगल और विड्थ पर उसकी कटिंग की जाती है, जिससे मिलती है टायर को ऑप्टिमम कैपेसिटी। बीड वायर से टायर का स्केलेटन यानी आउटर शेप बनता है। बीड ग्रोमेट टायर की साइड स्टिफनेस को कंट्रोल करती है। स्टील बीड वायर को हम बीड ग्रोमेट मशीन के द्वारा कोटिंग करके एक बीड रिंग बनाते हैं। प्रत्येक टायर में ऐसे दो रिंग लगाए जाते हैं जिसके कारण हमारे टायर में ज्यादा से ज्यादा भार सहने की क्षमता होती है। ये प्रोसेस फुली ऑटोमेटिक है। नायलॉन टायर्स में साइकिल टायर्स के लिए 4-ply वायर का प्रयोग होता है, जबकि अन्य उत्पादक 3-ply वायर का प्रयोग करते हैं। वहीं हेवी ड्यूटी टायर के लिए हम 5-ply वायर का प्रयोग करते हैं। यहाँ हम आधुनिकतम विधि का प्रयोग करते हैं, TBM यानी टायर बिल्डिंग मशीन में इन तीनों प्रोसेसेस के कंसोलिडेशन से बनता है ग्रीन टायर। हर प्रकार के टायर बनाने के लिए ये सबसे उपयुक्त मशीन है, फिर चाहे वो साइकिल और मोटरसाइकिल के टायर हों या कार और ट्रक के टायर। ग्रोमेट वायर को रबराइज्ड प्लाई के ऊपर सही जगह पर रखने के लिए लेजर बीम और मैग्नेटिक गाइड्स को यूज करते हैं। उसके ऊपर सही अलाइनमेंट के साथ प्लाई मोड़ कर फिर ट्रेड चढ़ाते हैं, जिससे पूरा ग्रीन टायर बनता है। अब ग्रीन टायर की क्वालिटी चेक करते हैं और अप्रूव्ड टायर्स को पकाने के लिए आगे क्योरिंग के लिए भेजते हैं। ग्रीन टायर फाइनली क्योरिंग प्रेस द्वारा क्योर किया जाता है, जिसमें इसकी टायर पैटर्न डिजाइन के डिनोटेशन के अनुरूप मोल्ड होता है। हर प्रेस में मोल्ड के 6 सेट होते हैं, यानी एक बार में 6 टायर्स क्योर होते हैं। यहाँ का टेम्परेचर और टाइम ऑटोमेटिक पीएलसी द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिससे टायर पूरी तरह से पकता है और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए तैयार होता है। क्योरिंग के बाद टायर प्रेस अपने आप खुल जाती है ताकि क्योर्ड टायर को निकाला जा सके। अब फाइनल प्रोडक्ट इंस्पेक्शन के लिए तैयार है। प्रत्येक क्योर्ड टायर की पैकिंग सेक्शन में अच्छी तरह से जांच होती है। इंस्पेक्टर अपनी जांच के बाद टायर पर चेक मार्क लगाता है और इन मार्क्ड टायरों पर डेकोरेटिव लाइनिंग की जाती है। फाइनली इतनी विधियों और क्वालिटी चेक से निकलने के बाद अब आपका अच्छी क्वालिटी युक्त हाई स्ट्रेंथ लॉन्ग लाइफ टायर इस्तेमाल के लिए तैयार है। टायर को बनाने के दौरान हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी सिस्टम को फॉलो करते हैं, इससे मिलती है अधिकतम लाइफ। जहां बेडरॉक नायलॉन टायर 3 वर्षों से अधिक चलते हैं, वहां अन्य कॉम्पिटिटर्स के टायर अधिकतम 2 वर्ष ही चलते हैं, यानी 30% कम। रबराइज्ड कॉर्ड प्लाई टायर की रीढ़ की हड्डी की तरह होती है क्योंकि टायर की लोडिंग कैपेसिटी इसी की स्ट्रेंथ से डेवलप होती है। बीड वायर टायर की साइड स्टिफनेस को कंट्रोल करती है। कॉटन टायर में ऐसे 2 रिंग लगाए जाते हैं और बीड गेज कांस्टेंट रखा जाता है। हमारी क्वालिटी कंट्रोल टीम लगातार रैंडम सैंपल चेक करती रहती है ताकि बीड गेज सेम हो, जिससे टायर रिम पर आसानी से चढ़ पाए। बीड वायर को प्लाई के ऊपर सही जगह पर रखने के लिए पहले से ही ड्रम में प्री कट ग्रूव्स के अंदर बीड वायर को फिट करते हैं।
उसके ऊपर सही अलाइनमेंट के साथ प्लाई और ट्रेड चढ़ाते हैं, जिससे पूरा ग्रीन टायर बनता है, यानी टायर की शेप बनती है। अब ग्रीन टायर की क्वालिटी चेक करते हैं और अप्रूव्ड टायर्स को पकाने के लिए आगे क्योरिंग के लिए भेजते हैं। बेडरॉक टायर विभिन्न आकर्षक डिजाइन्स में उपलब्ध होने के कारण ग्राहकों में बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये तमाम खूबियों से युक्त है और सही मायने में देता है वैल्यू फॉर मनी। यहाँ की प्रक्रिया शुरू होती है मिल्स की मिक्सिंग प्रोसेस से कंपाउंड शीट्स मिलाने के साथ। यहाँ कंपाउंड को स्ट्रेन किया जाता है एक बहुत पतली सी जाली से, जिसमें सुई डालना तक मुश्किल होता है। इस कंपाउंड पर हाई प्रेशर डालकर 60 मेश की जाली से निकालते हैं, जिससे मिलती है एयर इनपरमिएबिलिटी और इससे ट्यूब में पंक्चर की संभावना खत्म हो जाती है और इससे ट्यूब में एयर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है। फिर स्ट्रेन किए हुए कंपाउंड में स्टॉक ब्लेंडर के द्वारा सल्फर और एक्सेलरेटिंग केमिकल्स को मिलाते हैं। इसके बाद थिनिंग मिल्स से हम उसी कंपाउंड को पतली सी शीट के फॉर्म में निकालते हैं। इसके कारण कोई भी फॉरेन मटेरियल अगर गलती से भी रह गया हो तो हम उसे क्रश कर लेते हैं। शीट की मोटाई 0.2 से 0.3 mm होती है। थिनिंग किया हुआ कंपाउंड हम एक्सट्रूडर में फीड कर देते हैं, जिससे साइज, वेट एंड पेरीमीटर के अनुसार एक्सट्रूडेड ट्यूब बाहर आ जाती है। इन तीनों को मेंटेन करने के लिए एनकोडर और PLC यूज करते हैं, जिससे सही और यूनिफॉर्म थिकनेस और पेरीमीटर मेंटेन किया जाता है। ट्यूब की ऑटोमेटिक कटिंग के द्वारा साइजिंग होती है, जिससे मिलती है एक्यूरेट लेंथ, और इसे हम लगातार क्रॉस चेक करके वेट एंड थिकनेस पर नजर रखते हैं। ग्रीन ट्यूब को हम एल्यूमिनियम मेडरल पाइप पर चढ़ाने के बाद स्पेशली डिजाइंड वल्कनाइजर में क्योर करते हैं। और ये फुली क्योर्ड ट्यूब अब उल्टा करके एल्यूमिनियम पाइप से उतरता है, जिससे ट्यूब की फिनिश्ड साइड ऊपर आ जाती है। अब ट्यूब को करेक्ट साइज में काट कर जॉइंट के लिए एक साइड में बिवेल कटिंग और एक साइड में ग्राइंडिंग होती है। फिर स्पेशल एडेसिव के द्वारा इन दोनों साइड्स को जोड़ दिया जाता है। अब इस कच्चे जोड़ को मजबूत करने के लिए जॉइंट क्योरिंग प्रेस पर जोड़ को पकाते हैं। ये ट्यूब फाइनल चेकिंग के लिए तैयार है। ट्यूब में दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वाल्व एंड जॉइंट। हर ग्रीन ट्यूब को बनाने के लिए उसको सही साइज में काट कर उसमें ऑटोमेटेड वाल्व फिक्सिंग मशीन से वाल्व जोड़ा जाता है। इसके लिए हम वही टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जो ऑटो और ट्रक ट्यूब में भी प्रयोग की जाती है। फिर कटी हुई ट्यूब को बट स्प्लाइसर से जोड़ा जाता है और ये बन गई ग्रीन ट्यूब। हमारे बट स्प्लाइसर का जोड़ इतना मजबूत है कि कच्ची हालत में भी इसे हाथ से खींचकर नहीं तोड़ा जा सकता। अब ग्रीन ट्यूब मोल्ड में क्योर की जाती है, जिससे उसको एग्जैक्ट साइज और सुपीरियर क्वालिटी मिलती है। फुली फिनिश्ड एंड क्योर्ड ट्यूब में अब हाई प्रेशर से हवा भरी जाती है और इन एयर फिल्ड ट्यूब्स को एयर रिटेंशन टेस्टिंग के लिए तकरीबन 20 घंटों तक रखा जाता है। इन क्वालिटी चेक्स में पास होने वाली ट्यूब्स को ही आगे बढ़ाया जाता है और हमारे क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हर एक ट्यूब को फिजिकली चेक करते हैं। देखा आपने, अब इतनी सारी क्वालिटी चेक्स के बाद तैयार हो गई हमारी उच्च क्वालिटी की ट्यूब, जो ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करती है। उसके बाद ही स्टैंपिंग और पैकिंग के लिए प्रोसीडिंग्स होती हैं। बेडरॉक ट्यूब्स की पैकिंग आधुनिक मशीन्स के द्वारा की जाती है। अच्छे ट्यूब इतनी आसानी से पंचर नहीं होते।
दिन भर में हमारे पास लगभग 60-70 लोग अपनी साइकिल में पंचर लगवाने आते हैं। बैडरॉक कोट पोदार टायर ट्यूब उनमें से एक दो ही होते हैं। बैडरॉक कोट पोदार टायर ट्यूब ज्यादा मजबूत और अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इन्हें अपनी साइकिल में लगवाओ तो चलते जाओ। तो आज के बाद अपनी साइकिल में सिर्फ बेडरॉक टायर्स और ट्यूब्स ही लगवाएं, क्योंकि बेडरॉक टायर्स एंड ट्यूब्स आर द बेस्ट। हम विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाते हैं। यही नहीं, इसके साथ ही हम समय समय पर डीलर्स मीट के माध्यम से डीलर्स से अपने रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। PTL में हम सिर्फ कंपनी ही नहीं, डीलर्स के वेलफेयर पर भी विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनके ही सहयोग से हम देश और दुनिया में बेहतर प्रोडक्ट पहुँचाते हैं। अपनी सोशल जिम्मेदारी को भी अच्छे से जानते हैं, इसलिए अनेकों प्रकार से देश और समाज के कामों में अपना सहयोग करते रहते हैं। हमने चलने फिरने में लाचार और अपंग लोगों के लिए फ्री जयपुर फूड के कैंप का आयोजन भी किया, जिससे उन लोगों को काफी राहत मिली और हमें खुशी। हम अपने वातावरण की जिम्मेदारी को भी समझते हैं, इसलिए हम लगातार फैक्ट्री क्षेत्र में पेड़ पौधे और हरियाली को बढ़ावा देते हैं। पोदार टायर्स लिमिटेड प्रतिबद्ध हैं बेस्ट क्वालिटी उत्पादों को प्रोड्यूस करने के लिए और अपने ग्राहकों की आशाओं को पूरा करने के लिए। बेडरॉक टायर, टफ टायर्स ऑन रफ रोड्स।